पिछले महीने रोहिणी कोर्टरूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की सनसनीखेज और चौंकाने वाली हत्या के बाद से दिल्ली पुलिस राजधानी की 7 जिला अदालतों में हाई अलर्ट पर है। अदालत परिसरों में कई सीसीटीवी कैमरे और एक्सरे स्कैनर काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को मामले की जानकारी है। उदाहरण के लिए रोहिणी परिसर में जिला बार एसोसिएशन के अनुसार लगाए गए 55 में से 25 सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। बार एसोसिएशन के अनुसार 30 हजारी कोर्ट में 88 में से 68 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली के सभी 6 जिला बार एसोसिएशनों के अधिकारियों से उनके सुरक्षा उपकरणों की स्थिति पर बात की। मिली जानकारी के अनुसार अदालत में कुल 533 सीसीटीवी कैमरे और 48 एक्सरे स्कैनर में से केवल 365 और 32 ही काम कर रहे थे। हाल ही में 2 बंदूकधारियों द्वारा गैंगस्टर गोगी की हत्या कर दी गई थी, जिन्होंने अदालत में प्रवेश करने के लिए वकीलों का वेश धारण कर लिया था। उसी मामले ने अदालतों में सुरक्षा में खामियों को उजागर किया है। संपर्क करने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि पुलिस ने जिला अदालतों में सुरक्षा ढांचे का ऑडिट करना शुरू कर दिया है। कई जिला अदालतों ने पहले भी गोलीबारी की घटनाओं की सूचना दी है। दिसंबर 2015 में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई थी, जब एक प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों ने कुख्यात पूर्वोत्तर दिल्ली के गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू पहलवान पर गोलियां चलाई थी, जब उसे कड़काडूमा कोर्ट में लाया गया था। इरफान तो बच गए, लेकिन जज को बचाने की कोशिश में कांस्टेबल मारा गया था। मई 2018 में 30 हजारी कोर्ट में गैंगस्टर ने गोली मारकर एक विचाराधीन कैदी को घायल कर दिया था।